नमस्कार स्टूडेंट, मैं राज मरवान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय शासन अधिनियम 1919। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने जो ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की, उस वजह से खुश होकर ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में प्रशासनिक सुधार प्रारंभ करने के लिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 लाने की घोषणा की। इसके लिए सबसे पहले इस भारतीय शासन अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू एक प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि यह लड़ाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इसलिए भारतीयों को लगा कि विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में अभूतपूर्व प्रशासनिक परिवर्तन होंगे और ब्रिटिश शासन भारत को काफ़ी अधिक साम्राज्य देने का प्रयास करेगा। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य पर जो दबाव पड़ा उसके तहत मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। उनकी इस घोषणा के तहत ही भारतीय शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इस अधिनियम के अंदर एक प्रस्तावना भी थी। इस प्रस्तावना में इस अधिनियम में जो सुधार लागू होने वाले थे उसका उल्लेख था। इस अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह यह था कि भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, लेकिन ये उत्तरदायी शासन का क्रमिक रूप से इसका विकास हो, धीरे धीरे भारतीयों को प्रशासन के अंदर लाया जाए और उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से निपुण बनाया जाए ताकि वे आने वाले समय में प्रशासन को संभाल सकें। इसी के तहत हम पढ़ेंगे भारतीय शासन अधिनियम के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। इसकी जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वह है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। इसके तहत पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों को दो भागों में बांटा गया, पहला था रक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। रक्षित जो विषय था जो वह गवर्नर के प्रति जो उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद थी उसके अधीन रक्षित विषय रखे गए, और जो लोकप्रिय मंत्री थे जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे और जो निर्वाचित थे उन्हें हस्तांतरित विषय दिए गए। इस प्रकार से जो प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया उसे हम द्वैत शासन व्यवस्था भी कहते हैं, अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम की जो दूसरी विशेषता है वह है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा जो बड़े प्रांत थे जैसे बंबई, बंगाल, मद्रास आदि, उनमें जो विधान परिषद थी उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई और जो बड़े प्रांत थे उनमें अधिक से अधिक 140 व्यक्तियों को और जो छोटे प्रांत थे उनमें कम से कम 60 व्यक्तियों को रखना सुनिश्चित किया गया। अब इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। प्रांतों में तो ब्रिटिश शासन ने आंशिक उत्तरदायी शासन लागू कर दिया था, लेकिन केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन था। जो वायसराय था या गवर्नर जनरल थे उनको बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई थी और जिसके कारण से केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन था। चौथी विशेषता है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति। पहली बार जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। बड़े प्रांतों में जहां 4 सदस्य होते थे कार्यकारिणी परिषद में, वहां 2 सदस्यों को भारतीयों को रखा गया। जो छोटी कार्यकारिणी परिषद जो छोटे प्रांतों में जो कार्यकारिणी परिषद थी जहां 2 सदस्य होते थे उनमें से एक को भारतीय होना रखा गया। इसकी नेक्स्ट विशेषता थी द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। जो एक सदनात्मक केंद्रीय विधानसभा थी उसे द्विसदनात्मक बनाया गया, अर्थात दोहरी या दो सदन जिसमें 2 सदन हो, जिसमें पहले सदन का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा और दूसरे सदन का नाम रखा गया राज्य परिषद। इसकी नेक्स्ट विशेषता है भारत परिषद में परिवर्तन।
भारत परिषद का जब से निर्माण हुआ था तब से भारतीय चाह रहे थे कि इस भारत परिषद को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत परिषद का जो दृष्टिकोण था वह भारतीयों के प्रति सही नहीं था। उसके जो ज्यादातर फैसले थे वह भारत विरोधी होते थे और उसमें भारतीयों की संख्या भी नहीं थी, भारतीयों को भी नहीं लिया गया था। इस कारण इसका बहुत अधिक विरोध हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसे खत्म न करके इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और इसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया। नेक्स्ट विशेषता है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। पहली बार भारत में जो प्रांत प्रांत थे उनमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई। उन्हें प्रशासन विशेषकर से प्रशासन एवं राजस्व, प्रशासन एवं राजस्व के संबंध में अधिक अधिकार दिए गए। उन्हें कर्ज देने का, ऋण देने का अधिकार दिया गया, उन्हें टैक्स लेने का अधिकार दिया गया, जिस वजह से प्रांतों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना आई और वह और अधिक अपने आप को मजबूत कराने में कामयाब रहे। नेक्स्ट था शक्ति विभाजन। पहली बार केंद्रीय विषयों और प्रांतों के विषयों का बंटवारा किया गया। जो महत्वपूर्ण विषय थे वह केंद्र को सौंपे गए, जैसे विदेश नीति, सेना, रेल, डाकघर आदि। और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे या प्रांतों से संबंधित जो विषय थे वह प्रांतों को दिए गए, जैसे सिंचाई, कृषि, न्याय व्यवस्था, जन स्वास्थ्य आदि। इस प्रकार इसमें शक्ति विभाजन, विषयों का शक्ति विभाजन भी किया गया। नेक्स्ट इसकी विशेषता है निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। निर्वाचन में के बाद मताधिकार को भी बढ़ाया गया। जो पहली बार ऐसा हुआ कि 10% भारतीय जनसंख्या को मताधिकार प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जिसका बहुत अधिक विरोध हो रहा था, जो 1919 के द्वारा पहली बार लागू की गई थी और इसका भारतीयों ने बहुत अधिक विरोध किया था, उसके बावजूद इस 1919 के अधिनियम के अंदर उस सांप्रदायिक प्रणाली को खत्म न करके उसे और अधिक बढ़ावा दिया। इसमें पहली बार मुस्लिम्स के अलावा जो आंग्ल भारतीय थे, जो भारतीय ईसाई थे या जो हरिजन थे, उनको भी मताधिकार और निर्वाचन का, उनके लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, जिससे जिसका भारतीयों ने बहुत अधिक विरोध भी किया कि इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो बढ़ावा दिया गया उसका भारतीयों ने बहुत अधिक विरोध किया। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था वह है नरेश मंडल की स्थापना। इसके द्वारा पहली बार देशी रियासतों के महत्व को भी बढ़ावा दिया गया और उनके लिए एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को की गई। इसमें सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक ऐसी परामर्शदात्री संस्था बनाने का प्रयास किया गया, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य को परामर्श देने का कार्य करे। इस नरेश मंडल में 121 सदस्य को रखा गया और उसे एक परामर्शदात्री संस्था का रूप दिया गया। इसकी जो अंतिम जो इसकी विशेषता है वह है संक्रमणकालीन उपाय। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध के में जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो दबाव था पूरी दुनिया का और खास भारतीयों का, उस वजह से मैं मजबूर होकर उन्होंने भारतीय शासन अधिनियम लागू किया। उनका मकसद भारतीयों को स्वराज देना नहीं था, वह केवल एक दिखावा कर रहे थे, विशेषकर अमेरिका और जो बाकी देश थे उनको दिखाने के लिए कि हम भारत को की स्वतंत्रता चाहते हैं या भारत को अधिक से अधिक स्वराज देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने भारतीय शासन अधिनियम लागू किया उसमें भारतीयों को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया और खाली एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में ही 1919 का अधिनियम लागू किया गया। खाली जो प्रांत थे उन प्रांतों में ही एक आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, यही इसकी एक विशेषता है महत्वपूर्ण। उसके अलावा इस भारतीय शासन अधिनियम से भारतीयों को कुछ अधिक लागू नहीं हुआ। धन्यवाद।